हमने क्लोरीन की टंकियों को कैसे यूजफुल बनाया है अपने गार्डन के लिए, तो देखिए आगे। ये टंकियाँ बहुत ही सस्ती रेट में मिल जाती हैं और हमने अपने निहार को घर पर बुला करके कचरा करके साफ करके काम में लिया है। आगे वीडियो देखते रहिएगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। दो ड्रम मैंने खाली करवाए थे और बनवाए थे, आपको दिखाया। तो एक तो ये ड्रम है जिसमें मैंने नल लगवाया है, तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनवाने के लिए ये बनवाया है। इसमें ऊपर ढक्कन भी है, वो कहीं रख दिया है, तो अभी ऐसे ही ढका हुआ है इसको। और जो एक ऐसे एक में से दो पार्टीशन करवाए थे मैंने, तो उसमें हाँ ऊपर का उसका कवर नहीं मैंने हटवाया, तो ऊपर का और नीचे का दो पार्टीशन, तो इसमें मैं ये ऐसे ड्राई लीव्स अपनी भर करके रख देती हूँ और इसमें खाद बन जाती है। एक बार बना चुकी हूँ, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे पत्तियाँ डाली हुई है। और दूसरा जो इसी का ही पार्टीशन है वो दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और ये जो है मैंने गार्डन के काम के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, सब आने वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, मैंने लाइट जला देती हूँ। ये हाफ पार्टीशन इसमें है और इसमें मैं मिट्टी बना करके तैयार करके रखती हूँ। अभी मैंने सब कुछ मिला करके इसमें रखा हुआ है और मिट्टी ख़त्म हो जाती है तो जहाँ मकान का बनने का काम चलता है, बालू मिट्टी जो हमारे पिंक कलर की है, वो भर करके मैं इसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन के लिए इस तरह से पॉट्स वगैरह कुछ भी तैयार कर सकते हैं मिट्टी के लिए रखने के, जो कि बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। ये बाल्टियाँ भी मैंने मंगाई हैं सर्दी के प्लांट्स लगाने के लिए। तो ये वीडियो आपके पास में लेट पहुंच रहा है, बना तो मैं पहले चुकी थी तो काफ़ी बिजी हो गई थी इसलिए। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश आपको अपने कमेंट्स द्वारा लाइक करके शेयर करके बताइएगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।